नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि देवता भी स्वाहा से पहले नहीं ग्रहण कर पाते यज्ञ आहुति। किसी भी हवन यज्ञ अनुष्ठान के दौरान मंत्रोच्चारण के बाद अग्नि में आहुति अर्पित करने के अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण किए जाने की परंपरा है। आखिर क्यों स्वाहा शब्द का ही उच्चारण किया जाता है? बेहद कम लोग जानते होंगे कि स्वाहा भगवान अग्निदेव की पत्नी है। स्वाहा का उच्चारण किए जाने के बिना देवता भी यज्ञ में अर्पित की गई आहुति को स्वीकार नहीं करते हैं। परमपिता परमात्मा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा समस्त देवी देवताओं की आराधना करने के लिए वैदिक यज्ञ की परंपरा भारतीय सनातन संस्कृति में प्रधान है। हवन यज्ञ के माध्यम से हविष्य वह वस्तु जो किसी देवता के निमित्त अग्नि में डाली जाती है, जिसकी आहुति दी जाती है, को देवी देवताओं तक पहुँचाने के लिए अग्नि का प्रयोग किए जाने की परंपरा शुरू की गयी थी। देवताओं ने यज्ञ को किसी भी अनुष्ठान को सफल बनाने की प्रमुख जिम्मेदारी भगवान अग्निदेव की पत्नी स्वाहा को सर्वप्रथम प्रदान की। उस समय से देवता भी स्वाहा से पहले किसी भी यज्ञ किसी भी अनुष्ठान की आहुति को स्वीकार नहीं करते हैं। स्वाहा के उच्चारण को यज्ञ अनुष्ठान की महत्वपूर्ण क्रिया स्वीकार किया गया है। भगवान अग्निदेव को मिला हविष्य वाहक का दर्जा। मंत्र विधानों की संरचना के समय से ही इस पर विचार किया गया कि आखिर कैसे हविष्य को अपने अपने इष्ट देव तक पहुंचाया जा सके। आखिरकार भगवान अग्नि को ही हविष्य अर्पित करने में सभी देवी देवताओं में से उपयुक्त माना गया। तभी से भगवान अग्निदेव को हविष्य वाहक के नाम से भी पुकारा जाने लगा। आखिर कौन है स्वाहा? श्रीमद् भागवत तथा शिव पुराण में स्वाहा से संबंधित कई वर्णन आए हैं। भगवान श्री विष्णु हरि के परम अवतार श्री कृष्ण ने स्वयं स्वाहा को वरदान दिया था कि केवल उसी के माध्यम से देवता हविष्य को ग्रहण कर पाएंगे। जबकि ऋग्वेद यजुर्वेद ग्रंथों में अग्नि के महत्व पर अनेक रचनाएं संकलित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। इनके पावक, पवमान और शुचि नामक तीन पुत्र हुए। एक अन्य मान्यता के अनुसार स्वाहा की प्रकृति ही एक कला थी, जिसका विवाह अग्निदेव के साथ देवताओं के आग्रह पर संपन्न हुआ। सनातन संस्कृति में स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में उच्च दर्जा मिला है। यह परंपरा देवी देवताओं में भी रही। देवताओं को आहुति पहुंचाने के लिए अग्निदेव को उपयुक्त माना गया। तब अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के माध्यम से यज्ञ व अनुष्ठान को पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान किया गया। एक अन्य वर्णन के अनुसार देवताओं के पास खाने की कमी हो गई। सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान ब्रह्मा के पास प्रार्थना करने पहुंचे। भगवान ब्रह्मा ने मूल प्रकृति पर जाकर ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर देवी ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई। देवी ने वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगवान ब्रह्मा ने देवी से अग्निदेव से शादी करने के लिए कहा, ताकि यज्ञ के दौरान अग्नि को चढ़ाई जाने वाली सामग्री देवताओं तक पहुँच सके। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि यज्ञ में चढ़ाई गई सामग्री तब तक देवताओं तक नहीं पहुंचेगी जब तक स्वाहा देवी का उच्चारण नहीं किया जाएगा। तब देवी स्वाहा ने अग्नि से विवाह कर लिया। इसके लिए अग्नि को सामग्री को जलाने की शक्ति यानी दहन शक्ति उनकी पत्नी स्वाहा से प्राप्त होती है। इसलिए यज्ञ में स्वाहा शब्द का प्रयोग मंत्र के उच्चारण के सबसे बाद में किया जाता है। क्या है स्वाहा का अर्थ? स्वाहा का अर्थ त्याग और समर्पण भाव से प्रदान करना माना गया है। स्वाहा के उच्चारण मात्र से ही अहंकार समाप्त हो जाता है। विद्वानों के अनुसार स्वाहा का अर्थ है मीठा बोलो, हमेशा सत्य बोलो, जो मन में हो उसे ही बोलो, समर्पण की भावना से कर्म करें। इस उच्चारण से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, बदले की भावना का अंत होता है। मंत्रोच्चारण कर शुद्ध घी सामग्री की आहुति के अंत में स्वाहा उच्चारण किया जाता है। हर मनुष्य को कम से कम 16 आहुतियां जरूर प्रदान करनी चाहिए। इन मंत्रों का उच्चारण बेहद लाभदायक है। किसी भी यज्ञ के दौरान गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ध्यो योनः प्रचोदयात् का उच्चारण बेहद लाभदायक होता है। हवन सामग्री को अनामिका हाथ की दूसरी उंगली, जिसमें अंगूठी पहनते हैं, मध्यमा हाथ की लंबी उंगली और अंगूठे से पकड़ना चाहिए। यज्ञ के माध्यम से ग्रहण करते हैं देवता पसंदीदा भोजन। यज्ञ अनुष्ठान प्रयोजन तभी पूरा होता है जब आवाहन किए गए देवता को उनका पसंदीदा भोजन मिल पाए। हविष्य में मीठे पदार्थ का शामिल होना अनिवार्य है। देवता स्वाहा के माध्यम से अपने पसंदीदा भोग को ग्रहण करते हैं। वैदिक व पौराणिक विधान के अनुसार भगवान अग्नि देव को मंत्रोच्चारण कर स्वाहा के माध्यम से हविष्य सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने की पुष्टि होती है। अग्नि स्वाहा सभी आहुतियों को नहीं करते स्वीकार।
कहा जाता है कि किसी भी यज्ञ व अनुष्ठान के दौरान सभी आहुतियां हविष्यों को भगवान अग्नि देव व उनकी स्वाहा स्वीकार नहीं करती, क्योंकि हविष्य का बड़ा भाग हवन कुंड से बाहर गिर जाता है। जो भाग यज्ञ कुंड से बाहर गिर जाता है वह भाग राक्षसों के हिस्से में आता है। ऐसे में यज्ञ के दौरान अपने इष्ट को अर्पित किए जाने वाले हविष्य को पूर्ण श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी हवन से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।